नमस्कार दोस्तों, एजुटेक रोहित में आपका स्वागत है। दोस्तों, एम्स के जो INICET के रिजल्ट्स है वो aims.ac.in जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे रिलीज हो चुका है। तो यहाँ पे हम चलते aims.ac.in, इसके बाद यहाँ पे आपको रिजल्ट का सेक्शन दिखाएगा। यहाँ से भी जा सकते हैं और यहाँ पे भी आपको सीधा रिजल्ट का सेक्शन दिखाई देता है। उसके बाद यहाँ पे चार ऑप्शन आपके सामने आ रहे, तो यहाँ पे एकेडमिक कोर्सेज पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन INICET जुलाई 2023 सेशन। तो जो जुलाई 2023 सेशन के लिए क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनका यहाँ पे जो एक रिजल्ट है वो आ चुका है। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं इस पर और यहाँ पे हमारा दूसरा जो लिंक है वो खुल चुका है, लेकिन यहाँ पे शायद से ये काम नहीं कर रहा। यहाँ पे मैंने रिट्राई कर लिया और यहाँ पे डाउनलोड शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड जो है वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। मैं आपको डाउनलोड होने के बाद ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमारा लगभग डाउनलोड होने को आया है और ये हो गया है। मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। आपको रिफ़्रेश करना है, ठीक है? अगर कुछ सामने नहीं आता, पेज ब्लैंक आता है, तो आपको रिफ़्रेश करना है और आपका जो PDF है वो डाउनलोड शुरू हो जाएगा। यहाँ पे काफ़ी जो इंतज़ार करना पड़ रहा है खुलने का, PDF खुलने का भी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली एम्स परीक्षा सेक्शन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस कम्बाइंड एंट्रेंस एग्ज़ाम INICET जुलाई 2023 सेशन। तो जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे मेंशन किया गया है, रोल नंबर कैटेगरी वाइज, उसके बाद उनका ओवरऑल रैंक जो है और यहाँ पे बाद में परसेंटाइल दिया गया है। तो यहाँ पे आप अपना रोल नंबर जो है वो यहाँ पे सर्च कर सकते हो और आप क्वालिफाइड है कि नहीं है वो चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपना रिजल्ट जो है वो चेक कर सकते हो। तो अगर ये वीडियो आपके काम की होती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना।